हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे, भैया खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, हम भी खाते हैं कुछ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का बिरयानी। संडे स्पेशल हमारा बिरयानी, तो ऑब्वियसली ये जूम आउट जूम इन नहीं होता है। वेदर था क्लाउडी बट हो गया है सनी। आप ही तो सुबह सुबह बोले कि वेदर आज क्लाउडी था, इसीलिए पूछ लिया मैं। तो ये बैंड हो जा रहा है, बिरयानी बनाते हैं, कुछ खा लेते हैं उसके पहले, उसके बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, देखिए, फिर एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। मस्त सा स्टोरी है, यहाँ पर हुआ है ऑस्ट्रेलिया में एक साल पहले। तो खाने वाने के बाद आराम से फिर स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए मैं जल्दी से भी बना लेता हूँ, पहले खा लेता हूँ उसके बाद। आधा खा लिया हूँ स्वीट कॉर्न। बाहर का नज़ारा बड़ा अच्छा है आज। क्लाउडी रेनी दिख रहा था कल, बट अभी सनी है। तो आज संडे, आज बनाएंगे हम बिरयानी, हमारा स्पेशल। तो चिकन जो है मैंने रात को ही मैरिनेट करके रख लिया था, क्योंकि सुबह फिर लाओ लेट हो जाता है, तो इतना अच्छे से मैरिनेट नहीं हो पाता चिकन। तो मस्त कवर करके उसको प्लास्टिक से रैप करके फ्रिज में एकदम रात भर मैरिनेट हो रहा था। तो ये हो गया मेरा ख़त्म, आपको दिखाता हूँ चिकन, उसके बाद अपना बिरयानी का रेसिपी तो पता ही है, मैंने एक ब्लॉग में बनाया था, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। सेम तरीका है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस ये है कि मेरे में नंबर ऑफ लेग्स जो है चिकन का वो कम बेसी होते रहता है। सॉरी, इसीलिए बोलते हैं खाते खाते बात नहीं किया जाता है, मम्मी लोग सही बोलते थे, बट हम क्या, मोस्ट ऑफ द इसके सुने हैं। तो देखे हालांकि मैं ब्रेकफास्ट में ये नहीं खाता हूँ, मैं हैवी खाता हूँ, बट ठंड है, थोड़ा उठने में लेट हो गया तो जल्दी में ये बना लिया। सिर्फ बॉयल करना होता है, अभी जाके बिरयानी खाना है तो दोपहर में, तो उसका तैयारी होगा। चलो तो दिखाता हूँ, ये देखो ये मस्त है, इसको करके रात को रखो, इसको निकालूँगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद अभी नहीं, बाद में निकालता हूँ, अभी जाके राइस रखता हूँ। चलो अब चिकन निकालते हैं, हो गया आपका, पास कर दिया। तो चिकन को निकाल लेते हैं, ऑनियन फ्राई हो गया है हमारा, तो चलो दिखाता हूँ। तो रख लेता हूँ, तो ये है हमारा रात भर मैरिनेट किया हुआ चिकन। आवाज़ कम है, माइक्रोफोन नहीं लगाया मैं। हो गया चिकन डाल दिया हमने, देख रहे मस्त मस्त कलर आ रहा है, आस्ते आस्ते अभी पकेगा ये, अभी कम से कम 40 मिनट।
तो आज मैं क्या क्या हूँ, जो राइस है ना उसको मैं हमेशा पहले बॉईल कर देता हूँ, उसके बाद उसमें जब दम लगाता हूँ तब मैं फूड कलर थोड़ा सा डालता हूँ ताकि वो ऑड इवन कलर का जो कलर आ जाए। बट अभी जब मैं राइस बॉईल कर रहा था तभी मैं डाल दिया, तो उसकी वजह से इसका कलर पूरा येलोइश हो गया, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको दिखाता हूँ, ये भी आप कर सकते हो अगर आप बना रहे हो बिरयानी। तो देख रहे हो गाड़ी तो दिख ही नहीं रहा है अभी यहाँ पर, कितना गाड़ी कम चल रहा है। वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो बिरयानी हमारा बन गया होगा, तो चलो देखते हैं बिरयानी। तो हमारा बिरयानी बन के हो गया है रेडी, स्मेल आ रहा है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं उसको अभी गैस से उतार लिया हूँ, तो मस्त कलर आया है, मस्त स्मेल आ रहा है, ये देखो मस्त। देख रहे हो जो मैं वाटर के साथ जो कलर डाल दिया था उसके वजह से ये पूरा लाइट येलोइश हो गया, बड़ा मस्त लग रहा है। अब इसको खा के देखूंगा कि कैसा लग रहा है। हो गया है मस्त बिरयानी, एकदम दम भर खा लिया हूँ मैं। अब आता हूँ मैं अपने स्टोरी पे, जैसा मैं बताया था स्टोरी बताने वाला हूँ। तो ये स्टोरी है 2018 का, जब मैं यहाँ लैंड किया था। तो यहाँ पर क्या है, जब आप लैंड करते हो राइट, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपना डिटेल्स, अपना एड्रेस, यहाँ पर जिसके साथ रह रहे हो या होटल में रह रहे हो, जो भी रह रहे हो आप, वहाँ पर उसको आपको फिल करना पड़ता है, आपका पासपोर्ट नंबर है ना, ऑल दोज डिटेल्स आपको फिल करके वहाँ फिर काउंटर पर जाके देना पड़ता है। और प्लस वो वेरीफाई करते हैं सब डिटेल्स सही है कि नहीं, आपका पासपोर्ट नंबर ये सब आप चेक करते हैं। तो ऐसे ही मैं भी सब भर के दिया था। तो उसके बाद सब ओके होने के बाद वापस जब वहाँ सब निकल के बाहर आते हो, तो सब कुछ अब जहाँ एड्रेस जो आप दिया वहाँ जाते हो, वहाँ रहते हो। तो ऐसे क्या हुआ, 4-5 महीने बाद हम लोग दोस्त से पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि आपका पासपोर्ट नंबर जो फॉर्म में आप भरे थे वो सही नहीं है, गलत है। तो ऐसे पता चलता है कि वो कॉल्स जो है फ्रॉड कॉल्स है, जिसको आपको कॉल करके आपको डराया जाता है, क्योंकि आप बाहर से आते हो राइट, अगर आप बोलोगे आपका पासपोर्ट नंबर उस डिटेल्स ये सब गलत है तो आप थोड़ा डर जाओगे। तो इससे उन बहुत लोगों से उन लोगों ने पैसे भी वसूले हैं। तो ऐसे ऑफिस से मेल भी आया था हम लोगों की, ऐसा ऐसा केस हो रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहने के लिए हमें बताया गया था। तो मैं बोला ठीक है चलो, ऐसे लोगों को आ रहा सबको थोड़ू करेगा। तो ऐसे ही मैं भी लंच कर रहा था अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में, तो ऐसे कॉल आता है एक नंबर से करीब 1:30 के अराउंड। तो मैं उठाता हूँ तो मुझे बोलता है कि आपका नाम और आपका नाम बताएंगे उन लोग, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई वो जो बंदा बोल रहा है वो आपको जानता है, और आपका वैलिड डिटेल्स आपका बताने के बाद आपको भी ये लगेगा कि हाँ वो सही बोल रहा है, तो आप भी थोड़ा सुनोगे उसके बात पर। तो मुझे भी बोला कि विश्वजीत बोल रहे हैं, बोला यस। तो बोलता है आपने जब यहाँ लैंड किया था तो आपको जो फॉर्म दिया गया था उसमें जो पासपोर्ट नंबर दिए वो गलत है। मुझे तो पता था कि ये फ्रॉड कॉल है ये सब। तो मैं बोला मैं जब लैंड किया था तो मैं पासपोर्ट लेके ही नहीं आया था, मैं तो बिना पासपोर्ट के आया ऑस्ट्रेलिया। तो बोलता है कि व्हाट, तो मैं बोला हाँ मैं पासपोर्ट लाया नहीं तो मैं गलत कैसे भरूँगा, मुझे याद भी नहीं है। तो एक मिनट के लिए वो शांत हो गया, तो उसके बाद फिर काट दिया फ़ोन। तो मेरा दोस्त बोल रहा मजा ले रहा था, मैं बोला था और क्या, बोलता है पासपोर्ट लेके नहीं आया, मैं वहाँ पासपोर्ट मतलब गलत भर के आया, बोल रहा है मैं वहाँ पासपोर्ट सामने रख के भरा हूँ, और वहाँ जाके फिर उन लोग जो ऑफिसर्स है वो वेरीफाई किए मेरे डिटेल्स, मेरे पासपोर्ट नंबर, तो गलत कैसे हो सकता है, जब उन लोग जाने दिए तो ये तो फ्रॉड ही कॉल है बेकार का। तो बोलते हैं मजा ले रहा है, तो मैं बोला और क्या। तो जो भी ऐसा करते होंगे उन लोग तो मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए होंगे कि ये बंदा बहुत सियाना है, इसको कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये झांसे में नहीं आने वाला। तो हालांकि ऐसे पहले बीच में बहुत स्टार्ट हुआ था केसेस यहाँ पे ऐसे कॉल करके लोगों को परेशान करने का, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। सो हर जगह पे ऐसा होते रहता है, फ्रॉड कॉल्स है ना, ये सब तो चलते ही रहता है, आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ का जो अभी सिनेरियो है लॉकडाउन स्टेज 4 यहाँ पर चल रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए, ये नीचे नहीं होता क्या, होता है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर आपको कुछ लेना है सामान तो दिन में 8 बजे, रात को 8 बजे से पहले और सुबह 5 बजे के बाद जाके घर का कोई एक मेंबर ही जाके बाहर से कुछ ला सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। प्लस आप बाहर अगर दौड़ने या जॉगिंग एक्सरसाइज बोलते हैं कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तो फिर 1 घंटा से ज़्यादा बाहर रुक नहीं सकते हो, और 2 जन से ज़्यादा जा नहीं सकते हो, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, पुलिस आके वेरीफाई करते हैं। मेरे भैया बता रहे थे कि आई वॉच देखते हैं कितना देर से बाहर है, कितना किलोमीटर दौड़ा, और आप जिस जगह पे रहते हो उससे
5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आपको जो कुछ करना है कर सकते हो, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। तो ये है स्टेज 4 यहाँ का लॉकडाउन का और टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद और एक चीज़ है यहाँ पर कि जो रात को 8 बजे है और 8 बजे से नेक्स्ट दिन सुबह 5 बजे तक आप घर से कुछ नहीं कर, मतलब घर से बाहर निकल नहीं सकते हो, पूरा कर्फ्यू लगता है यहाँ पर। तो जैसा कि अब लोग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, केसेस बीच में बढ़ रहे थे इसके वजह से स्टेज 4 डाला गया है यहाँ पर, बट अब केस नंबर ऑफ केसेस कांस्टेंट बढ़ने रही हैं, एक एवरेज केस के हिसाब से आगे नंबर आ रहा है डेली जो न्यूज़ में बताया जा रहा है। और लोग भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने अपने बालकनी से जब भी यहाँ फ्लाई ओवर है वो देखता था तो गाड़ी हमेशा मतलब नॉर्मल डेज के हिसाब से गाड़ी चलता था, बट अभी मैं रोज़ गिन सकता हूँ एक दिन में कितने गाड़ी जा रहे हैं, मतलब इतना कम गाड़ी हो गया यहाँ से अभी गुजरना। तो बहुत अच्छे से लोग फॉलो कर रहे हैं इस लॉकडाउन का। तो बिरयानी खाया हो तो आएगा ही। तो बहुत अच्छे से लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, तो इसका इफ़ेक्ट दिखेगा जल्दी। तो यही था आज के मेरे ब्लॉग में। तो बस आप लोगों को मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब ट्राई करूँगा कि ब्लॉग सुबह बनाने का, ताकि दिन भर में फिर काम करने के बाद शाम को ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, इंसान इतना टायर्ड हो जाता है कि खा पी के सोने का मन करता है। तो सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट करूँगा तभी सोच रहा हूँ ब्लॉग बनाऊँ, तो इजी रहेगा मेरे लिए भी और फ्रीक्वेंटली मैं अपलोड भी कर पाऊँगा फिर। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।